हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आलू के पकोड़े, ब्रेड के, ब्रेड और आलू के पकोड़े। ओके, सॉरी, मुझे ब्रेड की स्लाइस चाहिए। मैंने 6 छोटे छोटे आलू को बॉईल कर ली हूँ और उसको ऐसा पीसेस में हाथ से फोड़ दी हूँ। मुझे इसमें कम से कम मैंने 8-10 करी लहसुन ली हूँ और मुझे तेज़ चाहिए, बहुत तीखा चाहिए, बल्कि मैंने 10-12 हरी मिर्ची ली। मिर्ची आप हमेशा अपने हिसाब से डालना है। 1/2 चम्मच हल्दी ली हूँ, 15-20 कड़ी पत्ते मैंने काट ली हूँ, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ली हूँ, 1/2 टीस्पून हींग ली हूँ, 1 टीस्पून जीरा ली हूँ, 1.5 टीस्पून मैंने राई ली हूँ, ठीक है। और मैंने 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल गर्म को रखी हूँ। अब इसके अंदर सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमान राई डालेंगे। इसे हम फूटने देंगे। इसके अंदर हम ग्रीन चिल्ली और चॉप गार्लिक डालेंगे। इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे, बहुत अच्छे से। देखो, ज़रा भी ऑयल नहीं लग रहा है ना, मगर मुझे थोड़ा ऑयल और लगेगा। 1 टेबल स्पून जितना मैं डालूँगी। हमने जब राई डाले थे, जब भी जीरा भी डाल दिए थे, ठीक है। मैंने आपको बताना भूल गई थी। अच्छे से ये हो गया। अब इसके अंदर हींग डालेंगे, हल्दी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और हम सॉल्ट अपने हिसाब से डालेंगे, इसको कितना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा पहले आधा डाल के देखती हूँ और फिर उसके बाद में टेस्ट करके फिर और डालेंगे। उसके अंदर हम 1 पोटैटोस डाल देंगे। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हाँ, मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गई। इसमें हम डिप करेंगे, वो हम बेसन देंगे, एकदम फाइन बेसन देंगे और इसका घोल बनाएंगे। इसके अंदर नमक और थोड़ा सा खाने का सोडा खा, थोड़ा सा, और उसमें डिप करेंगे ब्रेड को और उसके बाद फ्राई करेंगे, ठीक है। मैं वो सब आपको 1 by 1 बताती हूँ। अब इसके अंदर हम कॉरिएंडर डाल रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, तो इसको हम ब्रेड के अंदर लगाएंगे, ठीक है। एकदम अच्छी चटनी हमारी तैयार हो गई, ब्रेड पकौड़े की। ठीक है, अभी थोड़ा ठंडा होने दो, फिर मैं आपको बता दूँ। ये देखो, मैं बेसन ले रही हूँ। कम से कम मुझे, हमको इतना बेसन चाहिए जो हमको बराबर से ब्रेड डिप कर रहे हैं। मैं इसका आपको कम से कम 7-8 टेबल स्पून ले रही हूँ, ठीक है। मैं और इसके अंदर मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी, बस ज़रा सा, और उसको हम पानी से, देखो हम इसमें थोड़ा सी 1/4 टीस्पून खाने का सोडा डालेंगे, ठीक है। ये देखो, अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके वाटर डालेंगे और इसको इसका एक बैटर बना लेंगे। बना लिए। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, क्या बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं तो बहुत थिक लेयर आ जाएंगी ब्रेड के ऊपर। हो गया, हमने इसको बना कर रख दिए। अभी दोनों चीज़ हटा देंगे। अभी हम ब्रेड के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमान इसको आराम से ऐसा, ठीक है, ज़रा ज़्यादा ही लगा देंगे और दूसरे ब्रेड को हम सादा लगा देंगे इसके ऊपर। ये हो गया, पूरा कॉर्नर तक हमको भरना है ऐसा। इधर पूरा ये कर दिया और दूसरा ब्रेड लिया और इसको आराम से इसके ऊपर स्टिक कर दें। हमको ऐसे रेडी करके रखना है, ठीक है। मैं आपको दो करके बताती हूँ आराम से, ज़रा थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा, बहुत कम भी नहीं और बहुत ओवर भी नहीं, ठीक है। मैं कॉर्नर कॉर्नर बराबर लेना है हमको, मैं तो कॉर्नर में मसाला नहीं रहेगा। ये दूसरा पीस इसके ऊपर हमने आराम से लगा के इसको प्रेस कर दिया। और ये जो चटनी हमारी दिख रही है उसको भी हमने हाथ से अंदर प्रेस कर दिया।
अभी हमने इसको दो को रेडी कर दिया, ऐसे टू पीस में काटेंगे। अगर आपकी मर्जी रहेगी तो आप फोर पीस में भी काट सकते हैं, मगर हम टू पीस में काटेंगे। और हाँ, मैंने एक बात बताना आपको ये कर दी कि मैंने साइड्स काट ली हूँ। अगर आपको काटना है तो काटे साइड्स, वरना नहीं काटे कोई बात नहीं। मैंने ब्रेड के साइड्स काटी हूँ, अगर नहीं काटेंगे तो भी चलेगा अगर आपसे होते तो, और अगर काटना है तो काटिए। अभी मैंने इसको, अभी मैं आपको फोर भी करके बता देती हूँ, ठीक है। देखो एकदम एकदम हल्के हाथ से हमको इसको ऐसा काटना है। ये देखो, देखे कितने अच्छे पीस हो गए। इसे थोड़ा सी हमने ब्रेक कर दी। अब इसको भी हम, अगर छोटे छोटे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना बड़े बड़े रखने की भी ज़रूरत नहीं है हमको। ये देखो हमारा ऑयल इधर गर्म हो चुका है, तेल को अच्छा गर्म करें, उसके बाद फ्लेम को लो कर दिए। अभी लो फ्लेम पे हम डालेंगे बिस्मिल्लाह बोल के। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी कीजिए। इंशाल्लाह रहमान आपको नई नई रेसिपी मिलते रहेंगी। आप भी मेरी तरह ब्रेड पकौड़े बना पीस करी थी, और ये मैं बड़े, वो मैंने छोटे पीस करी थी, अभी ये बड़े पीस आपको फ्राई करके बता रही हूँ। थोड़ा हमको निखार लेना है, ठीक है। कितने अच्छे बन गए हमारे ब्रेड पकौड़े। ये देखो अभी हम इसको निकाल दें, एकदम अच्छे से इसको निथारना है हमको और फिर निकालना है, ठीक है। और गरम गरम चटनी के साथ इसको परोसना है। ये देखो मैंने प्लेटिंग कर दी, आप लोग भी ऐसा बनाना और मुझे बताना। अल्लाह हाफिज़।